हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अंडा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसको नॉन फाइनाइट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट होता क्या है और इसके कितने पार्ट होते हैं, आइए जानें। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट शब्द का अर्थ होता है सीमित यानी लिमिटेड। यह एक लिमिट होती है, उसको सीमित किया जाता है। फाइनाइट का मीन्स होता है और नॉन फाइनाइट मीन्स यानी असीमित, वही उसका कोई सीमा न हो। सीमित यानी फुल वर्ब को फाइनाइट कहते हैं। जो भी पूरा वर्ब होता है, फुल वर्ब, उसको हम फाइनाइट के नाम से जानते हैं। यह सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है। यह फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है, और इसके तीन प्रकार होते हैं। फाइनाइट के तीन प्रकार होते हैं, पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इसके अंतर्गत इन्फिनिटिव के बारे में आइए जानें। इन्फिनिटिव जो होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला सिंपल इन्फिनिटिव, जिसको नाउन इन्फिनिटिव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जिरेंडियल इन्फिनिटिव, जिसको क्वालिफाई इन्फिनिटिव के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल इन्फिनिटिव वह इन्फिनिटिव होता है जो नाउन का कार्य करता है। ऐसा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को हम यह कह सकते हैं कि वर्ब से पहले जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, इससे पहले टू का प्रयोग कर दिया जाता है उसको असीमित करने के लिए। तो जो इन्फिनिटिव वाक्य में नाउन का कार्य करे उसको हम सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं या नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं। जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज यस्से इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, या यह कहें टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल, या टू रिट्रीट वाज डिफिकल्ट, रिट्रीट वाज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर टू का प्रयोग वर्ब के साथ हुआ है जो इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है, और वर्ब जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव जो है मेन यानी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर यह सिंपल इन्फिनिटिव यानी कि नाउन इन्फिनिटिव के नाम से भी यह जाना जाता है। दूसरे वाक्य में भी उसी प्रकार है, टू एडवांस, एडवांस जो है आपकी क्रिया है, वर्ब है, और उससे पहले टू का प्रयोग किया गया है इन्फिनिटिव के रूप में। और तीसरे में भी टू रिट्रीट के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसका मीन्स होता है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती निकालना यानी दोष निकालना आसान है, या टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल, टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल। यहाँ पर इन्फिनिटिव नाउन के रूप में काम कर रहा है और इसका मीन्स होता है इम्पॉसिबल यानी असंभव होता है, आगे बढ़ना असंभव था। या यहाँ पर टू रिट्रीट वाज डिफिकल्ट, पीछे हटना डिफिकल्ट है, कठिन है। इसमें कुछ ध्यान देने का चीज़ है, सिंपल इन्फिनिटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब जो होता है उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। इसमें हिंदी के अनुवाद में ना शब्द आता है, जब भी इसका हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर ना का प्रयोग होता है, ना शब्द आता है, इसकी पहचान है। जैसे टू फाइंड फॉल्ट, यहाँ पर टू फाइंड फॉल्ट है तो यहाँ इसका मतलब दोष निकालना, और दूसरा में टू एडवांस है, इसका मतलब आगे बढ़ना, टू रिट्रीट का मतलब पीछे लौटना। तो यहाँ पर ना पहचान के लिए ना शब्द है, इसकी पहचान ना से हम करते हैं। दूसरा, कभी कभी इसमें टू छिपा होता है, कभी कभी वाक्य में टू छिपा होता है लेकिन रहता है।
बीट लेट मेड नीड सी हियर इटीसी वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जब भी बीड हो, लेट हो, मेक हो, नीड हो, सी हो, हेयर हो, ऐसे जब भी होते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बीड हिम गो देयर, लेट हिम वर्क, यहाँ पर टू है लेकिन यह प्रयोग नहीं किया जाता है टू का। तो लेट हिम, यू नीड नॉट वेट, आई सॉ हिम स्लीप, इस प्रकार के वाक्य में जब यह वर्ब आते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके यूजेज कहाँ कहाँ पर होते हैं, सब किस प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है, यानी वर्ब जो है सब्जेक्ट का काम करती है। जैसे टू इरर इज ह्यूमन, टू इरर इज ह्यूमन, या यह कहें टू सी इज टू बिलीव, वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर टू जो है सब्जेक्ट का काम है, यहाँ पर भी टू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू और मेन वर्ब इसका जो है, तो सब्जेक्ट का काम के रूप में जब होता है तो वह सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि जब वर्ब जो है आपका इन्फिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में जाना जाता है। ही रिफ्यूज टू ओबे, यहाँ पर जो आपका यह ऑर्डर है, ऑर्डर आदेश देना, तो यहाँ ऑर्डर जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। या वी वांट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्ले, टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर टू ओबे था जो ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर टू प्ले जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में जाना जाता है। वर्ब ऑब्जेक्ट कार्य करता है, इसमें जो है वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, कंप्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, जैसे ही ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, ही ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, वह जो है बहुत प्रसन्न हो गया उसके गीत को सुनकर। तो यहाँ पर जो यह पूरक हो गया प्लेजर का, यह सिंग जो है पूरक हो गया, यानी कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। दूसरा चीज टू सी इज टू बिलीव, बिलीव यानी विश्वास, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में कंप्लीमेंट पूरक के रूप में काम कर रहा है, और नाउन का भी यह कार्य कर रहा है। तो पहली प्राथमिकता इसमें यह है कि इन्फिनिटिव में यह नाउन के रूप में भी काम करता है, सिंपल इन्फिनिटिव में। अगला है ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ए टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक के रूप में भी यह काम करता है। आई हैव नो चॉइस बट टू ओबे, तो यहाँ पर बट टू ओबे जो है प्रीपोजिशन के रूप में काम किया, जोड़ने का काम किया, और यहाँ पर बट का अर्थ होता है सिवाय। आई हैव नो चॉइस बट टू ओबे, मेरे पास आज्ञा मानने के सिवाय कोई चॉइस नहीं थी। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट, इसमें टू का प्रयोग नहीं होता है और टू छिपा होता है। जैसे आई सॉ हिम गो, आई हर्ड हिम क्राई, या वी नीड नॉट गो टुडे, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें जो है टू छिपा हुआ होता है। एक बार फिर से नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट यह फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित, और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है असीमित, और इसका प्रयोग, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं नॉन फाइनाइट को। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव के भी दो प्रकार होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव जिसको हम नाउन इन्फिनिटिव के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा है जिरंड इन्फिनिटिव, जिरंडियल इन्फिनिटिव जिसको हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है टू फाइंड फॉल्ट इजी,
या टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल या ये कहें टू रिट्रीट वाज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर टू फाइंड, टू एडवांस, टू रिट्रीट, यहाँ पर यह सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में काम कर रहा है। अगला इसमें कुछ ध्यान देने की चीज़ें हैं, सिंपल इन्फिनिटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसमें जो है उससे पहले, मेन वर्ब से पहले टू लगाते हैं। इनमें हिंदी, इनके जो हिंदी अनुवाद होते हैं इसकी पहचान करने के लिए ना शब्द होता है। अनुवाद में जब भी अनुवाद करते हैं तो वह ना का संबोधन होता है उसमें। टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया था टू फाइंड फॉल्ट, इसका मतलब दोष निकालना, तो ना शब्द आया है जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार टू एडवांस है, टू रिट्रीट है, इसकी हम पहचान इसके अनुसार करते हैं। कभी कभी इसमें टू छिपा होता है, इसमें टू छिपा होता है, और इन जो है जैसे बीट, लेट, मेक, नीट, सी, हेयर, इन जो है ऐसे जब वर्ब आते हैं तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल उसका सीधे रूप में प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर टू जो है छिपा रहता है, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बिड हिम गो देयर, लेट हिम वर्क, यू नीड नॉट वेट, या यह कहें आई सा हिम स्लीप। इसका प्रयोग यानी किन किन दशाओं में इसका प्रयोग होता है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि आपका इन्फिनिटिव जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, जैसे टू ईयर इज ह्यूमन, टू सी इज टू बिलीव, यह जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, जैसे ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर, वांट टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में टू ओबे हो गया, टू प्ले हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इन्फिनिटिव। कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब यानी कि इन दोनों का पूरक होता है, इसमें पूरक का काम करता है, जैसे ही ग्रेटेस्ट प्लीजर इज टू सिंग, या यह कहें टू सी इज द बिलीफ, टू सी इज टू बिलीव। यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है यह पूरक है और नाउन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के, नाउन के रूप में भी यह इन्फिनिटिव काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, आपका इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन के रूप में भी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करता है, जैसे आई हैव नो चॉइस बट टू ओबे, मेरे पास उसकी आज्ञा मानने के सिवाय कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ पर जो है आपका इन्फिनिटिव ओबे टू जो है प्रीपोजिशन का काम किया है। और अगला नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिव, इसमें जो टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और टू हमेशा छिपा रहता है, जैसे आई सा हिम गो, आई हर्ड हिम क्राई, या वी नीड नॉट गो टुडे। तो यहाँ पर टू हमेशा छिपा रहता है, टू का प्रयोग नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में। तो यह था आपका नॉन फाइनाइट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।